प्रताप सिंह खरी खरी बोलने के लिए जाने जाते हैं। आजकल अपनी पार्टी को लेकर भी कुछ खरा खरा बोल रहे हैं कि विधायकों की बैठक होनी चाहिए, बातें सुनी जानी चाहिए। नरेश जी, मैं सब बातें बोल चुके हूँ, आप मानना चाहिए, वो हमारी पार्टी को मायने को मामलो है। मैं चाहूँ जब मेरे नेता से नाराज हो सकता हूँ, चाहूँ जब राजी हो सकता हूँ, ये तो मेरा हक है। लीडरशिप में एक परिवार है कांग्रेस, मेरे किसी से कभी नाराजगी भी हो सकती है, राजी भी हो सकता हूँ, ये मेरे परिवार का मामला है। प्रताप सिंह खाचरियावास जैसा है वैसा ही रहेगा। अब कोई चाहेगा प्रताप सिंह अब स्टाइल अब क्या बदल सी जिंदगी बीतगी, अब कहीं बाकी रहेगी, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये तो आप मानकर चलना, जो मेरी आदत है वो आदत तो बदल नहीं सकती। वो तो जिस दिन सोनिया गांधी जी ने मुझे टिकट दिया पार्लियामेंट का, उसी दिन मैंने तो उनसे कह दिया था, तो उन्होंने तो इतने प्यार से बच्चा मानकर मुझे टिकट दिया, तो मैं तो जो आशीर्वाद उन्होंने दिया उसी रास्ते पर तो चल रहा हूँ। अब मुझे ये मानकर चलना, प्रताप सिंह खाचरियावास का जो संघर्ष रहा है, अभी भी मेरी जो आदतें हैं, मैं काम करता हूँ, उससे कांग्रेस मजबूती होगी, कमजोर नहीं होगी। राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार बनेगी ना, उसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी मेरी भी, ये मानकर चलना। राजस्थान का बच्चा जो मेरे टाइम से मेरा जूनियर था, राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेकर हर यूनिवर्सिटी में, वो जो मेरे से सीनियर था, वो जो मेरे साथ था, वो सब मेरे साथ हैं। और ये जवानी इस बार कांग्रेस के साथ खड़ी है, और आज जो राहुल गांधी के साथ हुआ है उसके बाद तो रिएक्शन है पूरे देश में, तो ये तो खुली किताब है। अब अलग अलग राजनीति करते हैं, कोई बंद पत्ते करके राजनीति करता है, कोई खोल कर करता है, अपना पत्ता ओपन है कि देख लियो और कर लियो फैसलो। इनमें कोई बुरो मान भाई नरेश जी बात ही कोई, तभी मांगा दोस्त हो यार।